स्वागत है आपका T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए। टीम इंडिया अभी से ही अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है और यहां पर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, टॉप कॉम्बिनेशन बनाने में जो है अभी से ही लग चुकी है टीम इंडिया और टीम इंडिया की मैनेजमेंट। जिसके लिए दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है अपनी रणनीति को लेकर, और उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि इन दो बड़े खिलाड़ियों की जो है उनको जरूरत नहीं है वर्ल्ड कप 2020 के लिए। सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2020 जो है अपने नाम करे, कब्जे में लाए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में हार कर बाहर होने के बाद अब जो टीम इंडिया का अगला टारगेट है वो है वर्ल्ड कप 2020 को अपने कब्जे में करना, जो कि नेक्स्ट ईयर खेला जाना है, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है और T20 फॉर्मेट में होना है। जिसके लिए दोस्तों टीम इंडिया अभी से ही अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है और एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में किया है। जहां पर दोस्तों बात करें वर्ल्ड कप 2019 या फिर उससे पहले की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, और अगर हम उस प्लेइंग 11 को देखें तो वहां पर दोस्तों हमें 5 बॉलिंग ऑप्शन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नजर आते थे, जहां पर 4 प्रॉपर बॉलर्स होते थे और एक होते थे हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, और 7वें नंबर तक जो है टीम के पास बैटिंग ऑप्शन होते थे। उसके बाद टेलेंडर जो है वो चालू हो जाते थे, कुछ इसी तरह की प्लेइंग 11 जो है वो हमें पहले देखने को मिलती थी। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के बाद से टीम इंडिया की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जहां पर अब दोस्तों बात करें खासकर T20 की, तो यहां पर हमें नंबर 9 तक बैटिंग जो है वो देखने को मिलती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। वहीं दोस्तों 6-7 बॉलिंग ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिलते हैं, और कप्तान विराट कोहली ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कुछ इसी तरह की प्लेइंग 11 जो है वर्ल्ड कप 2020 में भी टीम इंडिया की हमें देखने को मिलने वाली है। जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई T20 सीरीज के बाद, जहां पर सीरीज जो है वो लेवल पर खत्म हुई, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर विराट कोहली ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वर्ल्ड कप 2020 में भी टीम इंडिया कुछ इसी तरह की प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है, जहां पर नंबर 9 तक जो है बैटिंग ऑप्शन दिखाई देंगे और सिर्फ 2 प्रॉपर बॉलर्स होंगे जो कि होंगे फास्ट बॉलर। ये चीज बिल्कुल क्लियर जो है वो कर दी है कप्तान विराट कोहली ने। और इस बड़े बयान के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप 2019 से पहले रेगुलर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दिखाई देते थे, उनका यहां पर वर्ल्ड कप 2020 में खेलना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। और वो 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों युजविंदर चहल और कुलदीप यादव। जिस तरह की प्लेइंग 11 के बारे में विराट कोहली ने बताया है, यानी कि नंबर 9 तक बैटिंग ऑप्शन, ऐसे में कुलदीप यादव और चहल जो है यहां पर इस प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड कप 2020 के लिए विराट कोहली और टीम इंडिया जो है कुलदीप यादव और युजविंदर चहल को जो है अपनी प्लेइंग 11 में नहीं देख रहे। ये बहुत ही बड़ा बयान जो है वो दिया है कप्तान विराट कोहली ने, और यहां पर कुलदीप यादव और युजविंदर चहल की वापसी जो है वो हो चुकी है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि नंबर 9 तक जो है बैटिंग ऑप्शन हमें दिखाई देने वाले हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में। अब दोस्तों देखते हैं ये प्लेइंग 11 जो है कितनी कारगर साबित होती है वर्ल्ड कप 2020 में। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या चहल और कुलदीप यादव को मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में मौका, या फिर नंबर 9 तक बैटिंग ऑप्शन जो है वो है बहुत ही कमाल की प्लेइंग 11? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।